वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप 31 अगस्त के बाद भी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई लेट फी या पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। 31 अगस्त के बाद भी अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की पेनल्टी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है वो 31 अगस्त थी और वो अब जा चुकी है। और अब अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2020 तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को फाइल करनी है जिनकी जो टोटल इनकम है वो जो है 2,50,000 से एक्सीड कर रही है, बल्कि मैं सलाह दूंगी कि जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है वो लोग भी आईटीआर को फाइल ज़रूर करें विदाउट एनी पेनल्टी एंड लेट फी। उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी या लेट फी एप्लीकेबल नहीं है। तो आप अपनी जो है आईटीआर को ज़रूर फाइल कीजिएगा। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आप अपना कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैरी लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी आईटीआर का फाइल होना मैंडेटरी है। अदरवाइज अगर आप उसे आईटीआर फाइल में नहीं शो करते हैं तो आगे आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है कि अगर किसी ने आपका टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, कोई TDS आपका काटा हुआ है, लेकिन आपकी जो टैक्सेबल लिमिट है वो कम है 2,50,000 से और आप इस वजह से अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपका TDS है वो डिडक्ट हो गया है, आपका बहुत पैसा जो है वो कटा हुआ है, अगर आप वो पैसा वापस पाना चाहते हैं, अपना TDS जो है एज अ रिफंड आप वापस लेना चाहते हैं, तो आप अपनी आईटीआर को फाइल ज़रूर कीजिएगा। आईटीआर फाइल करने से आपका जो TDS डिडक्ट हुआ है वो एज अ रिफंड आपको पे हो जाएगा। तो आइए चलिए जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कौन सी पेनल्टीज़ हैं जो हम पे अप्लाई हो रही हैं, मतलब कि अगर हम आईटीआर फाइल लेट करते हैं तो किस तरह की पेनल्टी है जो डिपार्टमेंट हमारे ऊपर लगा देता है। तो सेक्शन 234F जो है हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। इसमें हमें जो है पेनल्टी बताई गई है कि कौन सी पेनल्टीज़ हैं हमारे लिए जो आईटीआर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हमारे ऊपर लगा देता है अगर हमारी जो आईटीआर फाइलिंग है वो लेट हो जाती है, यानी कि 31 अगस्त के बाद अगर हम आईटीआर फाइल करते हैं तो कौन सी पेनल्टी हमारे ऊपर लगती है। यहाँ पे ई फाइलिंग डेट जो है 31 अगस्त 2019 है। अगर हम 31 अगस्त 2019 तक अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। अगर हम 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2019 के बीच में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं और हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपीज़ तक है तो हम पे 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी है। अगर वो 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी है अंडर सेक्शन 234F। अगर फिर भी हम अपनी आईटीआर 31 दिसंबर 2019 तक फाइल नहीं करते तो हमें टाइम मिल जाता है कि हम 31 मार्च 2020 तक अपनी आईटीआर फाइल कर लें। और इस केस में भी अगर हमारी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपीज़ पेनल्टी है और 5 लाख से ज़्यादा है तो 10,000 रुपीज़ पेनल्टी आ जाएगी। बहुत से लोग जो है वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है जिसके ऊपर हमारी जो है पेनल्टी डिसाइड हो रही है कि हमारी पेनल्टी कितनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा होता है कि हमारी ग्रोस टोटल इनकम जो होता है वो तो मतलब कि उस पर पेनल्टी बन रही होती है लेकिन हम जो है टोटल इनकम पे चेक कर लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ग्रोस टोटल इनकम क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्मेट जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब हम अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम जो फॉर्मेट तैयार करते हैं, सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी लेते हैं, उसमें से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद हम अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं, उसमें से भी हमें डिडक्शंस मिलती हैं सेक्शन 24 के अंदर। फिर हम अपनी PGBP की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, फिर कैपिटल गेन, और लास्ट में हम इनकम फ्रॉम अदर
सोर्सेस। तो ये सारी जो इनकम हम जब ऐड करते हैं तो ये हमारी आ जाती है ग्रोस टोटल इनकम, यानी कि ग्रोस टोटल इनकम हमारी होती है विदाउट एनी डिडक्शंस, यानी कि डिडक्शन अंडर जो हम चैप्टर 6A में लेते हैं, 80C से लेके 80U तक की जो हम डिडक्शंस लेते हैं उनसे पहले जो हमारी इनकम होती है वो होती है हमारी ग्रोस टोटल इनकम। यानी कि जब हम 80C से 80U तक की डिडक्शंस अपनी ले लेते हैं उसके बाद जो हमारी इनकम आती है वो होती है टोटल इनकम। तो कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी इनकम को देखना है, कि हम पे पेनल्टी लग रही है या नहीं लग रही है। तो जनरली 5 लाख से ज्यादा है तो हमें अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को चेक करना है कि क्या वो हमारी 5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख से कम है, उसके हिसाब से हमारी जो है पेनल्टी डिसाइड होती है। तो आई होप ग्रॉस टोटल इनकम भी आपको क्लियर हो गया है। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी बात है कि 31 अगस्त के बाद जो है हम पे पेनल्टी नहीं लग रही है। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 2,50,000 से कम है और अब भी अगर हम अपनी ITR फाइल कर देते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी पेनल्टी या कोई भी लेट फी नहीं लगेगी। अगर हमारे इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, चाहे 0.1 रुपीज़ भी ज़्यादा है, तो भी हमारे ऊपर 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी लग जाएगी। यानी कि अगर 2,50,000 तक की हमारी इनकम है तो हम पे अगर हम 30 अगस्त के बाद भी रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग रही है। इसके बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि कई जो है अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने अपनी जल्दी में रिटर्न फाइल कर दी है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने कौन सी डिडक्शंस क्लेम की हैं या कौन सी डिडक्शन हम क्लेम करना भूल गए हैं। अगर ऐसी आपसे कोई मिस्टेक्स हो गई हैं तो आप अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि रिविजन का टाइम हमारे पास होता है 1 ईयर तक। जिस दिन हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है उसके 1 ईयर तक हम जो है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो है नोटिसेस जो है भेजे जा रहे हैं, स्पेशली उनके पास भेजे जा रहे हैं जो लोग लोग गलत डिडक्शंस क्लेम कर चुके हैं। तो 100% चांसेस हैं कि नोटिस आएगा ही आएगा, नोटिस भेजने स्टार्ट हो गए हैं जिन लोगों ने गलत HRA क्लेम्स कर रखे हैं, गलत डिडक्शंस क्लेम कर रखी हैं। उनकी डिडक्शंस नहीं है लेकिन अपना टैक्स अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने अपनी डिडक्शंस क्लेम कर रही है, रॉन्ग इनकम रिपोर्ट कर रखी है, तो प्लीज़ उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसे ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जो है अमाउंट में नोटिस इशू किए जा रहे हैं। तो इन नोटिस से बिवेयर रहिए आप और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर लीजिए, सो दैट कि आपको नोटिस ना आए। अगर नोटिस आए तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो 100% लगेगी और बहुत ज़्यादा जो है आपको कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ जाएंगे। और जिन लोगों ने जो है ITR फाइल करते करते ITR फाइल करना बंद कर दिया है कि जो है हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं बन रही है, अब हम क्यों ITR फाइल करें, पहले हम कर रहे थे अब हम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो लोग भी ITR फाइल करें, क्योंकि उन लोगों के पास भी जो है नोटिस आ सकता है डिपार्टमेंट से कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी इनकम प्रूफ्स उनसे मांगे जा सकते हैं। और उन्हें अगर जो है नोटिस आने के बाद उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी हो जाता है उन लोगों के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपके लिए एक ही एडवाइस करना चाहूँगी कि अपनी रिटर्न को फाइल कीजिएगा। अगर आपकी बिलो टैक्सेबल लिमिट इनकम है 2,50,000 तक है तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी या लेट फी नहीं है, आप अभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों के ऊपर पेनल्टी है वो भी अपनी रिटर्न फाइल कीजिएगा, सो दैट कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके नोटिस आपके लिए नोटिस ना आ सकें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, अगर यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।